अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे MDCAT लॉजिकल रीजनिंग क्रैश कोर्स का 5th लेक्चर है और इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स लॉजिकल रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा इससे रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली पजल्स जिनमें कंक्लूजन को निकालना होता है फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन थ्रू रीजनिंग। मतलब कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअली वो पजल्स होते हैं जिनके अंदर हमें क्या करना होता है, कोई नतीजा निकालना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है गिवन इन्फॉर्मेशन से थ्रू लॉजिक या थ्रू रीजनिंग। उसका मतलब कि इन पजल्स में हमें क्या करना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है पजल्ड फॉर्म में, उससे कंक्लूजन को ड्रा करना होता है। तो इनको हम कहते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे रिलेटेड किस टाइप के MCQs आते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स कुछ गिवन है और उसके नीचे कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं। आपको क्या करना होता है कि वो जो कंक्लूजन्स हैं उनके हवाले से आपको बताना होता है कि वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। तो उसका मतलब कि क्या होगा, आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, जैसे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और नीचे कुछ कंक्लूजन्स होंगे, और उन कंक्लूजन्स को आपको बताना होगा कि वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। तो बात यह आती है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले सब कंक्लूजन्स को पढ़ें एंड देन उनको वन बाय वन चेक करें कि आप वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कोई कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, जो हमारे पास कंक्लूजन्स हैं इनको चेक करना होता है, इस गिवन स्टेटमेंट्स हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन है, इनके बेस पे कि वेदर वो इनके बेस पे करेक्ट है या नहीं है। मतलब कि क्या वाकई ये कंक्लूजन उन स्टेटमेंट से निकल रहा है या नहीं। अगर हाँ ये कंक्लूजन निकल रहा है इन्हीं स्टेटमेंट से तो वो अप्रोप्रिएट है, अदरवाइज नहीं। अब ये जो हमें इन्फॉर्मेशन बताई होती है ना इन स्टेटमेंट्स के अंदर, वो पजल्ड फॉर्म में होती है। तो इसीलिए हमें लॉजिक या रीजनिंग या थिंकिंग के थ्रू ये देखना होता है कि क्या वो कंक्लूजन वाकई इस इन्फॉर्मेशन से ड्रा किया जा सकता है, मतलब क्या वाकई वो इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि वो कंक्लूजन वाकई अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, वो जो कंक्लूजन है उसको हमने चेक करना है इन स्टेटमेंट्स के बेस पे, क्या वाकई वो कंक्लूजन इन स्टेटमेंट्स से ड्रा किया जा सकता है या नहीं। अगर ड्रा किया जा सकता है कि वो कंक्लूजन इन्हीं स्टेटमेंट से निकल रहा है तो वो अप्रोप्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब जो PMDC का सिलेबस है उसके अंदर एक जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाए कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कह रहा है, अ लुलेबाय इज अ सॉन्ग, नो सॉन्ग इज प्रोज, सम प्रोजेज आर एपिक्स। कह रहा है कि एक लुलेबाई जो होता है वो सॉन्ग है और कोई भी जो सॉन्ग है वो प्रोज नहीं है, और कुछ प्रोज हैं वो एपिक्स हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। उसके नीचे हमें कुछ कंक्लूजन दिए हैं, वो क्या है कि सम प्रोजेज आर सॉन्ग्स, के कुछ प्रोज जो हैं वो सॉन्ग्स हैं, सम एपिक्स आर लुलेबाइज, कह रहा है कि कुछ एपिक्स हैं वो लुलेबाइज हैं, जबकि कुछ सॉन्ग्स हैं वो लुलेबाइज हैं, तीसरे कंक्लूजन में ये कह रहा है। तो इस तरीके से तीन कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हर कंक्लूजन को हम वन बाय वन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है या नहीं है इन स्टेटमेंट्स के बेस पे। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंक्लूजन है कि सम प्रोजेज आर सॉन्ग्स, इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सम प्रोजेज आर सॉन्ग्स, मतलब कि कुछ प्रोज हैं वो सॉन्ग्स हैं। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नो सॉन्ग इज प्रोज, कह रहा है कि कोई भी सॉन्ग जो है वो प्रोज नहीं है। जब कोई सॉन्ग प्रोज है ही नहीं, मतलब कि जितने भी जो सॉन्ग्स हैं उनमें से एक भी सॉन्ग प्रोज नहीं है, तो उसका मतलब कि जो प्रोज है वो सॉन्ग कोई भी नहीं होगा, मतलब कि कोई भी प्रोज सॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है सम प्रोजेज आर सॉन्ग्स, मतलब कि कुछ प्रोज सॉन्ग्स हैं, तो ये हमारे पास इनअप्रोप्रिएट है, गलत है। उसके बाद कह रहा है सम एपिक्स आर लुलेबाइज, कह रहा है कुछ एपिक्स जो है वो लुलेबाइज है, क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो लुलेबी के बारे में क्या कह रहा है, लुलेबी इज ए सॉन्ग, कह रहा है कि जो लुलेबी है वो सॉन्ग है। उसके बाद कह रहा है कि नो सॉन्ग इज प्रोज, के कोई भी जो सॉन्ग है वो प्रोज नहीं है, मतलब कि लुलेबाई एक सॉन्ग है और कोई भी जो सॉन्ग है वो प्रोज नहीं है, सही है। और फिर कह रहा है सम प्रोजेज आर एपिक्स, कह रहा है कि कुछ प्रोज जो है वो एपिक्स हैं। अब देखिए जो लुलेबाई है वो एक सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग प्रोज नहीं है, उसका मतलब कि कोई भी जो लुलेबाई है वो प्रोज तो नहीं है, और जो कुछ प्रोज है वो एपिक्स है, मतलब कि कुछ प्रोज एपिक्स है, और हमें तो ये पता है कि जो लुलेबाई है वो हमारे पास प्रोज है ही नहीं, क्योंकि लुलेबाई सॉन्ग है और कोई सॉन्ग प्रोज है ही नहीं, मतलब लुलेबाई प्रोज नहीं है, और कुछ प्रोज जो होते हैं वो एपिक्स होते हैं, बट लुलेबाई तो प्रोज है ही नहीं तो वो एपिक्स नहीं होगी होंगे। तो उसका मतलब कि जो एपिक्स होंगे वो लुलेबाइज नहीं होंगे, तो उसका मतलब कि ये जो दूसरा है सही है, ये भी क्या है, ये इनअप्रोप्रिएट है। उसके बाद कह रहा है तीसरे में सम सॉन्ग्स आर लुलेबाइज, कह रहा है कि सम सॉन्ग्स आर लुलेबाइज, के कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो क्या है, लुलेबाइज है। तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है इन स्टेटमेंट्स के बेस पे। यहाँ पे कह रहा है लुलेबाइज अ सॉन्ग, कह रहा है कि जो लुलेबाई एक सॉन्ग है, तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, सम सॉन्ग्स आर लुलेबाइज। तो सीधी सी बात है, जो जो भी लुलेबाई होते हैं वो सारे सॉन्ग्स होते हैं,
तो इसका मतलब कि जो सॉन्ग्स हैं उनमें से कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो क्या होंगे, लुलबाई होंगे, क्योंकि जितने भी लुलबाई हैं वो सारे सॉन्ग्स हैं। तो उसका मतलब कि कुछ जो सॉन्ग्स हमारे पास हैं उनमें से कुछ सॉन्ग्स क्या होंगे, लुलबाई होंगे। तो उसका मतलब कि ये जो है चीज़ ये अप्रोप्रिएट है इसके बेस पे, मतलब कि ये कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास इनअप्रोप्रिएट है, दूसरा भी इनअप्रोप्रिएट है, जो अप्रोप्रिएट है वो है तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ओनली थ्री। अब और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाए। तो सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो डिफिकल्टी की लेवल है उसको इंक्रीज करते जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो ये हैं कि सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। तो ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि जितने भी हमारे पास क्वींस हैं वो सारी ब्यूटीफुल हैं और जो कुछ किंग्स हैं वो क्वींस हैं। उसके बाद कह रहा है कंक्लूजन में ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, जितने भी किंग्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं, और दूसरे में कह रहा है ऑल क्वींस आर किंग्स, और जितनी भी क्वींस हैं वो किंग्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंक्लूजन है। अब हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है कौन सा नहीं है। अब देखिए हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि हमें जितने भी कंक्लूजन्स हैं उनको वन बाय वन चेक करना होता है क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, इसको चेक करते हैं क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है, मतलब क्या ये जो कंक्लूजन है ये इन स्टेटमेंट से निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कह रहा है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, कि जितनी भी किंग्स हैं वो सारे क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम किंग्स आर क्वींस, कह रहा है कि कुछ जो किंग्स हैं वो क्वींस हैं, किंग्स के बारे में ये कह रहा है कुछ किंग्स क्वींस हैं, एंड ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, और जितनी जो क्वींस हैं वो ब्यूटीफुल हैं, जबकि कुछ जो किंग्स हैं वो क्वींस हैं, तो और क्वींस सारी ब्यूटीफुल हैं। तो उसका मतलब कि जो कुछ किंग्स जो क्वींस हैं वही ब्यूटीफुल होंगे, क्योंकि जो क्वींस हैं वो तो सारी ब्यूटीफुल हैं। तो उसका मतलब कि किंग्स जो होंगे वो वही ब्यूटीफुल होंगे जो कि क्वींस हैं, सारे किंग्स क्वींस नहीं है, कुछ किंग्स क्वींस हैं। तो उसका मतलब जो ब्यूटीफुल वही किंग्स होंगे जो कि क्वींस हैं। तो ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल ये कंक्लूजन इससे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब कि ये कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन रॉन्ग है, इनअप्रोप्रिएट है। उसके बाद दूसरे में कह रहा है ऑल क्वींस आर किंग्स, के जितने भी क्वींस हैं वो किंग्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम किंग्स आर क्वींस, कुछ जो किंग्स हैं वो क्वींस हैं। तो उसका मतलब कि जो कुछ क्वींस होंगी वही किंग्स होंगी, मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारे जो किंग हैं उसमें से कह रहा है कि कुछ किंग हैं, मतलब बहुत सारे जो किंग हैं उनमें से कुछ जो किंग हैं वो क्या है, क्वींस हैं। तो इससे हम ये कंक्लूजन तो ड्रॉ नहीं कर सकते कि सारी जो क्वींस हैं वो किंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है सम किंग्स आर क्वींस, मतलब कि कुछ किंग्स हैं वो क्वींस हैं। तो उसका मतलब कि कुछ क्वींस होंगी वही किंग्स होंगी, तो सारी क्वींस किंग्स हैं ये इससे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता, मतलब ये इनअप्रोप्रिएट है। तो उसका मतलब कि बोथ वन एंड टू आर इनअप्रोप्रिएट। उसके बाद कह रहा है ऑल हिल स्टेशन हैव अ सनसेट पॉइंट एंड एक्स इज अ हिल स्टेशन। दो स्टेटमेंट्स हैं कि जितने भी हिल स्टेशन हैं सब में सनसेट एक पॉइंट होता है, और दूसरी में कह रहा है कि जो एक्स से एक हिल स्टेशन है। अब कंक्लूजन में कह रहा है एक्स हैज अ सनसेट पॉइंट, और दूसरी में कह रहा है ऑल प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशंस डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहले कंक्लूजन में कह रहा है कि एक्स हैज अ सनसेट पॉइंट, जो एक्स है उसमें सनसेट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जितनी भी हिल स्टेशन हैं उनमें सनसेट पॉइंट है, और जो एक्स है वो एक हिल स्टेशन है। तो क्योंकि एक्स हिल स्टेशन है और सारी हिल स्टेशन में सनसेट पॉइंट होती है, तो एक्स में भी सनसेट पॉइंट होगी। तो मतलब ये कंक्लूजन इससे निकल रहा है, मतलब ये कंक्लूजन इन स्टेटमेंट के बेस पे अप्रोप्रिएट है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो कह रहा है कि ऑल प्लेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट, कह रहा है कि जो दूसरी जगह है अदर देन हिल स्टेशन के अलावा उनमें सनसेट पॉइंट होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि जितनी हिल स्टेशन है उनमें सनसेट पॉइंट होता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है, इससे ये तो हम नतीजा नहीं निकाल सकते ना कि दूसरी प्लेसेस जो है हिल स्टेशन के सिवा उनमें सनसेट पॉइंट होता ही नहीं है। तो उसका मतलब कि ये हमारे पास इसके बेस पे क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि इससे ये कंक्लूजन तो नहीं निकलता। तो ये हमारे पास गलत है कंक्लूजन। तो इसका मतलब कि सिर्फ वन जो है सही है वही अप्रोप्रिएट है, तो ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट थ्री में ऑल पेन्स आर चॉक्स, जितनी भी पेन्स हैं वो चॉक्स हैं, एंड ऑल चेयर्स आर चॉक्स, कह रहा है जितनी भी पेन्स हैं वो चॉक्स हैं और सारी जो चेयर्स हैं वो चॉक्स हैं। कंक्लूजन में कह रहा है सम पेन्स आर चेयर्स और सम चॉक्स आर पेन्स। कंक्लूजन को वन बाय वन चेक करते हैं। पहले कंक्लूजन में कह रहा है सम पेन्स आर चेयर्स, कि जो कुछ हमारे पास पेन्स हैं वो क्या है, चेयर्स हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ पेन्स चेयर्स हैं, क्या ये हमारे पास अप्रोप्रिएट होगा या नहीं, मतलब कि वाकई ये नतीजा हमारे पास निकल रहा है इससे या नहीं निकल रहा है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सम पेन्स आर चेयर्स, के कुछ पेन्स हैं वो चेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर चॉक्स, के जितने भी हमारे पास पेन्स हैं वो चॉक्स हैं, और सारी जो चेयर्स हैं वो भी क्या है, चॉक्स हैं। तो उसका मतलब कि चॉक्स की हमारे पास दो वेराइटीज हो गई, एक चॉक्स हमारे पास पेन्स हैं, दूसरे चॉक्स हमारे पास चेयर्स हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो पेन्स हैं वो चेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है जो पेन्स हैं वो चॉक्स हैं और जो चेयर्स हैं वो भी चॉक्स हैं। तो उसका मतलब कि जो चॉक्स हैं वो दो वेराइटीज के, एक पेन्स हैं दूसरे चेयर्स,
बट इससे ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि जो पेंस हैं वो चेयर्स हैं, तो ये इनअप्रोप्रिएट है। उसके बाद कह रहा है सम चॉक्स आर पेंस, के कुछ जो चॉक्स हैं वो पेंस हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल पेंस आर चॉक्स, की जितने भी हमारे पास पेंस हैं वो क्या है, चॉक्स है। क्या मतलब कि जो कुछ चॉक हैं वो हमारे पास क्या है, पेंस है, कुछ चॉक पेंस है, तो सम चॉक्स आर पेंस वो तो सही। तो उसका मतलब कि ये जो कंक्लूजन जो टू है सही है, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये दो, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें कह रहा है सम हिल्स आर रिवर्स, सम रिवर्स आर डेजर्ट्स एंड ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स। कह रहा है कि कुछ जो हिल्स हैं वो रिवर्स हैं, कुछ रिवर्स हैं वो डेजर्ट्स हैं, और जितने भी जो डेजर्ट्स हैं वो क्या है, रोड्स हैं। अब कंक्लूजन में कह रहा है कि सम रोड्स आर रिवर्स, सम रोड्स आर हिल्स, सम डेजर्ट्स आर हिल्स। तो अब वन बाय वन सब कंक्लूजन को हम चेक करते हैं कि वेदर ये अप्रोप्रिएट है इन स्टेटमेंट्स के बेस पे या नहीं है। तो पहले में कह रहा है सम रोड्स आर रिवर्स, कह रहा है कि कुछ जो रोड्स हैं वो क्या है, रिवर्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारे पास कंक्लूजन है ये क्या है, कि कुछ रोड्स रिवर्स है। तो रोड के हवाले से कोई स्टेटमेंट है तो ये लिखी हुई है कि ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स, के जितने भी जो डेजर्ट्स हैं वो रोड्स हैं, और कुछ जो हमारे पास रिवर्स हैं वो क्या है, हमारे पास कुछ जो रिवर्स हैं वो डेजर्ट्स हैं, कुछ जो रिवर्स हैं वो डेजर्ट्स हैं, और जितने भी हमारे पास डेजर्ट्स हैं वो क्या है, रोड्स हैं। तो उसका मतलब कि सम रिवर्स आर रोड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास कुछ रिवर्स हैं वो डेजर्ट्स हैं, और जितने भी डेजर्ट्स हैं वो क्या है, रोड्स हैं। तो उसका मतलब कि हमारे पास जितने भी डेजर्ट्स हैं वो रोड्स हैं, तो उसका मतलब कि हमारे पास जो कुछ रिवर्स जो डेजर्ट्स हैं वो हमारे पास, ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो हमारे पास जो रिवर्स हैं वो क्या है, रोड्स हैं, क्योंकि जितने भी डेजर्ट्स हैं वो तो वैसे ही रोड्स हैं। तो उसका मतलब कि हमारे पास कुछ रिवर्स जो हैं वो रोड्स हैं, सही है। तो उसका मतलब कि हमारे पास जो कुछ रिवर्स हैं वो रोड्स हैं। अब क्योंकि कुछ रिवर्स रोड्स हैं, सही है, तो उसका मतलब कि वो जो कुछ रोड हैं सही, वो रिवर है। मतलब कि कुछ रिवर्स हमारे पास रोड्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसी रिवर्स हैं जिनको हम कह रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास रोड्स हैं। तो उसका मतलब कि जो कुछ रोड्स हैं वो हमारे पास क्या है, रिवर है, बात तो सेम है। तो उसका मतलब कि ये हमारे पास जो पहला कंक्लूजन है ये हमारे पास क्या है, अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इन स्टेटमेंट से। तो ये हमारे पास क्या है, ये अप्रोप्रिएट है। उसके बाद दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं कि सम रोड्स आर हिल्स, के कुछ रोड्स हैं वो हिल्स हैं। तो देखिए कुछ हमारे पास रोड्स हिल्स हैं, क्या ये हमारे पास अप्रोप्रिएट है या नहीं है, मतलब क्या ये कंक्लूजन इससे ड्रॉ हो सकता है या नहीं हो सकता। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है रोड्स के बारे में, रोड्स के बारे में, तो अभी तक हमारे पास ये कंक्लूजन है कि कुछ रिवर्स हमारे पास रोड्स हैं, और कुछ हमारे पास रोड्स हैं वो भी रिवर्स हैं, और फिर हमारे पास क्या कह रहा है कि जो कुछ हिल्स हैं वो क्या है, रिवर्स हैं। मतलब कि हमारे पास कुछ हिल्स रिवर्स हैं और कुछ हमारे पास रोड्स हैं वो भी रिवर्स हैं। मतलब कि बहुत सारी जो हमारे पास रिवर्स हैं उनमें से कुछ हमारे पास रिवर्स हिल्स हैं और कुछ रिवर्स हमारे पास डेजर्ट्स या रोड्स हैं। तो ये हमारे पास ये कंक्लूजन है जो कि ड्रॉ हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है सम रोड्स आर हिल्स, कह रहा है कुछ रोड्स हिल्स हैं, तो ये हमारे पास इनअप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि हमारे पास जो तो वो जो कुछ रोड्स हैं वो क्या है, हमारे पास रिवर्स हैं। जैसे हमारे पास कुछ हिल्स रिवर्स हैं, इसी तरीके से कुछ रोड्स रिवर्स हैं, ना कि हिल्स। तो जो हमारे पास रिवर्स हैं उसके अंदर दो वेराइटीज हैं, कुछ रोड्स हैं सही और कुछ हमारे पास हिल्स हैं। तो इससे ये हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि कुछ रोड्स हमारे पास हिल्स हैं, मतलब कि कुछ रोड्स हिल्स हैं, ऐसा कोई कंक्लूजन इससे ड्रॉ नहीं हो सकता, उसका मतलब कि ये इनअप्रोप्रिएट है। हमारे पास जो थर्ड कंक्लूजन है वो ये है कि सम डेजर्ट्स आर हिल्स, मतलब कि कुछ हमारे पास जो डेजर्ट्स हैं वो क्या है, हिल्स है। अब इसको चेक करते हैं वेदर ये हमारे पास सही है या गलत है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, मतलब कुछ रिवर्स डेजर्ट्स है, या इसका मतलब यह है कि हमारे पास कुछ जो डेजर्ट्स होंगे वो क्या होंगे, रिवर्स होंगे। तो मतलब कि हमारे पास कुछ डेजर्ट्स हैं वो रिवर्स है। तो यहाँ पे हमें जो लिखा हुआ है कि सम डेजर्ट्स आर हिल्स, ये हमारे पास इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमारे पास कुछ डेजर्ट्स हैं वो रिवर्स है, और इसी सेम तरीके से हमारे पास कुछ हिल्स क्या है, रिवर्स है। तो इससे हम कंक्लूजन ये ड्रॉ नहीं कर सकते कि कुछ रिजल्ट्स हमारे पास क्या होंगे, हिल्स होंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं वो रिवर्स हैं, और इसी सेम तरीके से कुछ हिल्स भी हमारे पास रिवर्स हैं, मतलब रिवर्स की दो वेराइटीज हैं, कुछ हिल्स हैं और कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ये दो हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ हमारे पास रिजल्ट्स रिवर्स हैं और इसी तरीके से कुछ हिल्स भी हमारे पास रिवर्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसलिए कंक्लूजन हरगिज़ नहीं निकाल सकते कि कुछ रिजल्ट्स हमारे पास हिल्स होंगी, तो ये हमारे पास इनअप्रोप्रिएट होगा। उसका मतलब कि हमारे पास वन एक करेक्ट है और टू एंड थ्री दोनों इनअप्रोप्रिएट हैं, तो उसका मतलब कि हमारे पास जो करेक्ट कौन सा होगा, ओनली वन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।